हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं दीपक शेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्लाइस कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस जानेंगे, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट या फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्लाइस कार्ड के लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते। ट्रांसफ़र करने का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों इसके लिए यहाँ पे दो मेथड है, दोनों ही मेथड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट मेथड की ओर। फर्स्ट मेथड के लिए आपको जोमेटो एप्लीकेशन की हेल्प लेनी और आपके पेटीएम एप्लीकेशन की हेल्प लेनी। आपके पास अगर पेटीएम का फुल केवाईसी अकाउंट है तो आपको पता होगा पेटीएम वॉलेट में अगर आपने मनी लोड किया तो उस मनी को आप बैंक अकाउंट में एकदम ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो दोस्तों। बट यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि पेटीएम वॉलेट में अगर पैसे लोड करने हैं तो उसके लिए यहाँ पे स्लाइस कार्ड से हमें चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे आज के स्टूडियो में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्लाइस कार्ड से पेटीएम में मनी लोड करने वाला, तो इसके लिए हम जोमेटो वॉलेट ही यूज़ करने वाले। अगर आप हमारे पुराने यहाँ पे फॉलोअर्स हो, पुराने यहाँ पे हमारे चैनल के फैमिली मेम्बर्स हो, तो आपको ये ट्रिक यहाँ पे वीडियो देखने से पहले ही समझ में आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को दो ट्रिक लेके आऊँगा, आगे और एक ट्रिक लेके आऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जोमेटो एप्लीकेशन में चले जाते हैं। जोमेटो एप्लीकेशन को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देख सकते हैं मेरे एरिया में तो यहाँ पे जोमेटो पे कुछ भी डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं, कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवरी हमारे एरिया में नहीं होती। बट चलिए कोई इशू नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करके हमारे स्लाइस कार्ड के पैसे को तो चलिए फ्री में बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में एक ग्लास वाला ऑप्शन बना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उस ग्लास से हमें ड्रिंक नहीं करनी, वो हमारा प्रोफाइल ऑप्शन है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेमेंट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को वॉलेट वाला एक ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे वॉलेट वाले ऑप्शन में आपको दो तीन वॉलेट दिख रहे होंगे, एक दिख रहा है मोबीक्विक, दूसरा दिख रहा है पेटीएम, तीसरा दिख रहा है यहाँ पे फ्रीचार्ज। तो हमें इससे लिंक कर लेना है पेटीएम वॉलेट को। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिंक किया, अगर आपका लिंक नहीं तो आप क्लिक करके एक ओटीपी के थ्रू आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करके इसे लिंक कर सकते हैं। मेरे वॉलेट में 40 रुपये ऑलरेडी पड़े, तो इसे हमें रिचार्ज करना है। तो सिंपली हम इसके थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और रिचार्ज वॉलेट पर क्लिक करेंगे और एक मिनिमम अमाउंट हम कुछ भी डाल दें, मैक्सिमम आप 2000 रुपये तक यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं। तो मतलब 2000 रुपये तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र कर सकेंगे फर्स्ट ट्रिक से। सेकंड ट्रिक से आप यहाँ पे लाखों रुपये ट्रांसफ़र कर पाओ। तो चलिए 500 रुपये हम सिलेक्ट कर लेते और प्रोसेस टू ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस टू ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस कार्ड दिख रहा है, मतलब ये हमारा स्लाइस का कार्ड है। आप लोग बोलेंगे मॉरिशियस बैंक का दिख रहा है, आप बोल रहे हो स्लाइस का, क्योंकि स्लाइस का यहाँ पे पार्टनर ही SBM बैंक है, जो आपको आगे दिखेगा स्लाइस का ही। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इसका CVV नंबर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो चलिए मैं CVV नंबर इसका एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे CVV नंबर एंटर कर लिया, तो चलिए हम पे 500 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पे 500 वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो पे 500 पे हमने क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। इसके बाद आप देख सकते हो स्लाइस का यहाँ हमारा कार्ड है, OTP हमें स्लाइस की तरफ से आ गया, तो OTP हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे स्लाइस अकाउंट से मैंने 500 रुपये का पेमेंट किया, यहाँ पे 540 रुपये मेरे अकाउंट में दिख रहे हैं, मतलब कि पहले जो 40 रुपये थे वो यहाँ पे, और हमने यहाँ पे स्लाइस से पेमेंट कर लिया, जो मैं उसका मैसेज भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपीज़ का पेमेंट हमारा हो गया और ये मनी हमारे यहाँ पे पेटीएम वॉलेट में ऐड हो चुका है। तो अब पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करना एकदम ईजी है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो ये तो चीज़ आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ पे ऐड मनी के लिए आपको चार्जेस लगते हैं, चाहे तो मैं आप लोगों को आगे जाके भी दिखाता हूँ पेटीएम में, बट पेटीएम में शायद से स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो वहाँ पे 100% गारंटी नहीं लेता कि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पेटीएम वॉलेट पे जाऊँगा, जो हमारे 540 है। यहाँ पे हम ट्रांसफ़र टू बैंक वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं 540 अमाउंट डालूंगा, तो प्रोसेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट कोई भी सिलेक्ट करूँगा। तो आप लोग इसके चार्जेस देख सकते हो, यहाँ पे 00 चार्जेस दिख रहे हैं। शायद अगर स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होगी तो आपको चार्जेस दिखेंगे, अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है तो चार्जेस भी नहीं दिखेंगे। तो ये तो होगा फर्स्ट मेथड, बट फर्स्ट मेथड में आप 2000 रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। हम आप बात करेंगे सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड क्या होने वाला है। सेकंड मेथड मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, सेकंड मेथड भी पेटीएम ही है। तो यहाँ पे आप लोगों को पेटीएम एप्लीकेशन में जाना होगा। यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। पेटीएम एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे 500 रुपये ट्रांसफ़र करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉलेट में के लिए
मुझे इस वॉलेट से कुछ यूज करना है इसलिए मैंने लिए, बट फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने मेरे स्लाइस कार्ड से ऐड किए, मतलब कि यहाँ पे बैंक ट्रांसफर भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको मिलता है रेंट पेमेंट का। तो नॉर्मली अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को रेंट पे वाला रिचार्ज एंड बिल सेक्शन में ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आप लोगों को रेंट पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग UPI के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर करके यहाँ पे आप लोगों को दिखाना है पेटीएम को कि हम किसी का रेंट पे करें, बट वहाँ पे सामने जो अकाउंट नंबर आप एंटर कर लिए आपके फैमिली मेम्बर या फिर दोस्त का किसी का डालना है और आप लोगों को यहाँ पे रेंट पे के ऊपर आप लोगों को सिंपली 1% चार्जेस देना पड़ेगा और 1% में यहाँ पे पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। बट आप लोगों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बोला तो आप लोग बोले कि भाई तुमने तो बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट का ट्रिक बताता हूँ। अगर आप स्लाइस से पैसे ट्रांसफर करते हो या फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो और सेम मतलब जब भी बिल जनरेट आता है उस बिल को अगर आप EMI में कन्वर्ट नहीं करते तो डायरेक्ट पेमेंट कर दोगे तो आप लोगों को 1% के हिसाब से कैशबैक मिलता है, मतलब कि आपके पैसे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर हो जाते हैं। बिल तो आप पेड करते हो, अगर आपने 10,000 रुपये निकाले और 10,000 पे आप लोगों को 1% चार्जेस के हिसाब से 100 रुपये लगे, जैसे आप ये 10,000 बिल पेमेंट करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे 100 रुपीज़ का कैशबैक भी देखने को मिलता है, मतलब आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो दोनों ही मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर ऐसे नॉलेजेबल यहाँ पे ऐसे ट्रिक आप लोगों को देखने हैं फ्यूचर में भी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।